Good morning, everyone. Let us start our today's session, business opportunity in education sector. So so many participants are there. 10 was confirmed and 8 are present. So it's a great thing, we can very well say. So first of all, I'm welcoming you all for joining this today's webinar. Aaj Sunday hai, Sunday morning enjoy karne ka time, and you decided to show up in this my session. So thank you so much from bottom of my heart to attend this, for being here. Aaj ka jo seminar hai, almost 45 minutes to 1 hour chalega. So currently it is 11:09. And this seminar will be up to 12:10 max to max, 12 o'clock to 12:10. So जरा अगर आपके पास एक घंटे का कमिटमेंट है, then it's okay, it's fine, you can be continued. लेकिन अगर एक घंटे का कमिटमेंट नहीं है, if you have already some other commitment, क्योंकि संडे का ऑलरेडी कुछ प्लान शेड्यूल रहता है, तो ऐसा अगर कुछ है, देन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आधा सेमिनार छोड़ के आप जाने से अच्छा आप अभी से भी अगर एग्जिट कर दिया तो चलेगा. अदरवाइज माय रिक्वेस्ट इज, इफ इट इज पॉसिबल टू रीशेड्यूल योर कमिटमेंट, प्लीज डू इट एंड बी हियर फॉर 1 आवर. सो मेरा गारंटी है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ तो न्यू चीजें जरूर मिलेंगी. बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेना है नहीं लेना है, इट्स कम्प्लीटली आपके ऊपर है. लेकिन जाने से पहले आपको अदर देन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा. सम न्यू थिंग्स यू विल लर्न टुडे. अगर आपके पास पेन पेपर है तो रेडी रखो. इसलिए नहीं है कि मैं कुछ आपको सिखाने वाला और आपको नोट्स लिखना, इसीलिए पेन एंड पेपर कि अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको इमिडिएटली पूछने से अच्छा यू जस्ट नोट डाउन, एंड एट द एंड ऑफ सेशन विल बी हैविंग क्वेश्चन आंसर सेशन, सो इन दैट यू कैन आस्क इट. ओके, सो इज इट ओके फॉर एवरीवन? टाइप ओके इन चैट बॉक्स. Only one chart is there. Others are you ready? Okay, thank you very much. I'm welcoming you all at the beginning of session. साथ में welcome करता हूँ my virtual assistant also, Ms. Shweta. She is operating our Zoom meeting remotely, and I'm going to lead here. My Dr. Mohan Pakhare, founder and president of Genius India Research and Training Institute. आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एजुकेशन के रिलेटेड बताना चाहता हूँ कि क्या एग्जैक्टली बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. ये तो हम देखने वाले ही है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हमें क्यों लेना जरूरी है और उससे कुछ बेनिफिट हो सकता है क्या, तो उसके बारे में देखेंगे. तो देखने से पहले लेट अस डिस्कस समथिंग रिलेटेड मिथ अबाउट स्टडी हैबिट्स. क्या मिथ्स हैं स्टडी हैबिट्स के बारे में? क्या मिथ्स हैं? आज तक हमने देखा है कि हमने जैसे स्टडी किया था
आज हमारे बच्चे वैसे ही स्टडी कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन आंसर रीड किए थे, हमारे बच्चे भी क्वेश्चन एंड आंसर रीड कर रहे हैं। डिफरेंस इतना ही है कि हमारे टाइम पे जिसको कुछ नहीं आता था उनको क्लास भेजा जाता था, आज यहाँ खाली वही बच्चे क्लासेस नहीं जाते हैं जिनके मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है। अदरवाइज मोर देन 95% स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड विद द क्लासेस। एंड स्टिल स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? हाई कॉम्पिटिशन है, बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। और ये कॉम्पिटिशन में हमारे टाइम अपने टाइम पे जो परसेंटेज मिलता था, मिलने का चांसेस बहुत कम था। आज ऐसे मार्क्स मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं किया और एग्जाम के लिए अटेम्प्ट भी किया तो 60-70% आराम से मिल जाता है, क्योंकि उनके इनहाउस ही 30-40% रहता है। 60% के तो एक्चुअल रियल टेस्ट होता है उनका। अगर अंदर का इवेल्यूएशन हमने चेक किया देन यू विल कम टू नो कि। एंड सेकेंड थिंग इज, गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है कि 8th स्टैंडर्ड तक कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। एक्चुअली उसका मीनिंग कुछ अलग है और हम देख रहे हैं कुछ अलग। कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब किसी को भी फेल नहीं करना है ऐसा नहीं। कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी कैपेबल टू पास द एग्जाम। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हमें भी बहुत सारे टीचर्स भी बताते हैं कि नहीं सर, हमें तो ऊपर से सर्कुलर है, किसी बच्चे को फेल नहीं करना है। एंड इट्स कंप्लीटली रॉन्ग थिंग। वी आर मिसलीडिंग द सिस्टम। गवर्नमेंट ने बताया है कि बच्चे को काबिल बनाओ, एग्जाम पास होने के लिए काबिल बनाओ, और हम बोल रहे कि गवर्नमेंट ने बताया है कि उसको बच्चे को फेल मत करो। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग। एंड आफ्टर दैट बच्चे जब फेल होता है तो उसको एक दूसरा टेस्ट दिया जाता है जिसको हम बेसलाइन टेस्ट कहते हैं। बेसलाइन टेस्ट मतलब 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को 4th स्टैंडर्ड का सिलेबस, 5th स्टैंडर्ड का सिलेबस के ऊपर कुछ प्लस माइनस के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ग्रेटर देन लेस देन के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और उनको छोटे छोटे सिली क्वेश्चंस पूछ के पास किया जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उससे बच्चों का डेवलपमेंट हो जाएगा? इस तरीके से अगर डेवलपमेंट करते गए बच्चे तो क्या आपको लगता है इससे डेवलपमेंट हो जाएगा? Yes, no, maybe. हमें इंटरेक्शन चाहिए, आपका और हमारे बीच में इंटरेक्शन चाहिए। सो ऑल जितने भी लीडर्स आज कनेक्टेड हो गए हैं, मुझे उनके साथ अगर इंटरेक्शन करने को मौका मिला तो दैट विल बी ऑसम। एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है, तो यू कैन अनम्यूट, और आपको कुछ बोलना है तो भी बोल सकता है, जब भी मैं पूछ सकता हूँ। Okay, पूछ लेता हूँ। दूसरा बहुत सारा प्रॉब्लम क्या चल रहा है बच्चों, पेरेंट्स के प्रेसिंग प्रॉब्लम क्या है? ह्यूज स्कूल फीस एंड ट्यूशन फीस। आज मेरा बेटा 12th स्टैंडर्ड में, मैंने देखा जब 10th से 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले रहे थे तो बहुत सारे उसके फ्रेंड्स ने 1.5 लाख 2 लाख रुपीज पर ईयर का फीस पे किया है बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में, इवन दो दे हैव 90% एट अबव। क्यों? क्योंकि उनको कॉलेज और क्लासेस कंबाइन ज्वाइन करना था। आजकल वो ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे कॉलेज नहीं जाते, कॉलेज का अटेंडेंस आपका क्लासेस पे लगता है, राइट? और सिखाया भी जाता है क्लासेस में। ओनली थिंग, प्रैक्टिकल्स के लिए आपको उधर जाना है, कुछ ओरल टेस्ट के लिए आपको कॉलेज में जाना है, अदरवाइज कॉलेज जाने की जरूरत है। उसको इंटीग्रेशन कुछ बोलते हैं, इंटीग्रेटेड कॉलेज। तो उसमें क्या हो रहा है? एवरीथिंग इज स्पून फीडिंग। बच्चों को टिक करके दिया जाता है, यहाँ से यहाँ तक का रट्टा मारो, एग्जाम के लिए आ जाओ, आप पास हो जाओ, इतना ही करो, इतना करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, इसी के बाहर का कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। रेडीमेड क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन आंसर दिया जाता है, नोट्स दिए जाता है रेडीमेड, एवरीथिंग इज देयर। और इससे क्या होगा मालूम है? ये सब कुछ होने से हमारे बच्चे सर्कस के वाघ बनने वाला है, सर्कस के शेर बनने वाला है, सर्कस के हाथी बनने वाला है। क्या है उसका स्टोरी मालूम है आपको? सर्कस का शेर, एनीबडी नोज दिस स्टोरी, सर्कस का शेर?
जब सर्कस बंद हो गया और एनिमल्स को रिलीज करना गवर्नमेंट ने बताया, क्या हो गया मालूम है? ये जो रिलीज किए हुए जानवर थे वो जब जंगल को इनको छोड़ दिया गया, आप बिलीव नहीं करोगे, जंगल के कुत्तों ने इनका शिकार कर दिया। क्यों ऐसा हो गया? जंगल के कुत्तों ने इनका शिकार इसलिए कर दिया क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी नहीं था उनके अटैक करने की, क्योंकि उनको रेडीमेड सब कुछ मिल रहा है, एवरीथिंग वाज रेडीमेड। तो उनको अटैक करना जो उनका क्वालिटी था, उनका इनबॉर्न टैलेंट था, वो भूल गए। उनको मालूम भी नहीं कि उनके पास है, वो अटैक कर सकते हैं, उनको भी मार सकते हैं, लेकिन वो भूलने की वजह से या उनका कैपेबिलिटी डेवलप ना होने की वजह से उनकी डेथ हो गई और जंगल के कुत्तों ने शेर को खा दिया। क्या आप चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटी में ऐसे शेर पैदा हो कि जिनको जंगल के कुत्ते भी पंजा मार सके? सो माई पर्पज इज वी हैव टू फोकस ऑन साइंस, वी हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी, वी हैव टू फोकस ऑन स्किल्स। उनका इनबॉर्न स्किल जो है उनको डेवलप करके आगे जाना है। अभी वो स्किल का और एजुकेशन का क्या रिलेशन है, तो वो बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हाउ वी कैन यूज इट दिस ब्रेन साइंस टेक्नोलॉजी और स्किल पैटर्न इन एजुकेशन, क्योंकि मेरा पूरा रिसर्च उसी के ऊपर। आई एम इम्प्लीमेंटिंग ब्रेन साइंस रिसर्च इन एजुकेशन एंड फॉर दैट पर्पज ऑलरेडी आई रिसीव नेशनल अवार्ड इन द एजुकेशन। मैं आपको कुछ ब्रेन के रिसर्च बताना चाहता हूँ। ब्रेन के रिसर्च में से पहला रिसर्च ये है कि हमारे पास 5 सेंसेस है, ज्याला आपण पंचेंद्रिय, मराठी मध्ये पंचेंद्रिय म्हटलं जातं। तो वी हैव ओनली 5 सेंस और ये 5 सेंस हमारा इनपुट डिवाइस करके काम करते हैं। मतलब जो भी हम सीख रहे हैं ये 5 के अलावा कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। एक तो हम देख के सीखते हैं, एक तो हम सुन के सीखते हैं, एक सुन के सीखते हैं, एक टच करके सीखते हैं या टेस्ट करके सीखते हैं। 5 क्वालिटीज है हमारे पास, 5 ही इनपुट डिवाइसेस है जो हमारे ब्रेन को फीड करता है। एंड दूसरा इम्पोर्टेंट रिसर्च ब्रेन साइंस का यह बताता है कि एक बार कोई भी एक चीज आपके एक एक कोई भी एक सेंसर ने अगर ब्रेन के अंदर डाल दी, देन यू कैन नॉट फॉरगेट, लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। सो इज इट इंटरेस्टिंग? यस 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 सर। तो यहां हमें वही देखना है। आज हमें हमें यही देखना है कि ये टेक्नोलॉजी को हम कैसे लेके जा सकते हैं, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस टेक्नोलॉजी। ये ब्रेन साइंस का जो रिसर्च, अगर हम भूल ही नहीं सकते हैं तो हम एग्जाम के टाइम पे क्यों भूल जाते हैं? दूसरा रिसर्च मैं आपको बताता हूँ ब्रेन का, चाहे तो ये रिसर्च नोट करके लिख सकता है क्योंकि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कुछ गूगल से गूगल करके ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन निकाला हुआ नहीं है। ओके, दूसरा रिसर्च ये है कि इफ यू रिमेम्बर द थिंग्स, क्या मैं बोल रहा हूँ, इफ यू आर रिमेम्बरिंग द थिंग यू कैन नॉट रिकॉल इट विदाउट थिंकिंग। मतलब क्या, अगर कोई चीज आपने याद रखी है तो बिना सोचे आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए हम जब भी किसी को झूठ बोलता है तो उसको याद रखना पड़ता है और नेक्स्ट टाइम उसके साथ बात करते समय उसको याद करके बोलना पड़ता है कि हाँ, बोला। मैंने उसके साथ क्या बात किया था, राइट? जरा माइक ऑफ कर लीजिए अगर किसका आवाज आ रहा है तो। आप जब भी बात करना चाहते हैं तभी स्टार्ट करें, अदरवाइज यू कैन म्यूट योर। या थैंक यू वेरी मच।
तो इसमें सेकंड रिसर्च मैंने क्या बताया, इफ यू आर रिमेम्बरिंग देन यू हैव टू थिंक एट द टाइम ऑफ रिकॉल. अगर आपने थिंकिंग नहीं किया तो रिकॉलिंग नहीं होगा. और इसीलिए हमारा बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, बच्चे स्टडी करते हैं रिमेम्बरिंग के लिए, याद रखने के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव टू रिकॉल एट द टाइम ऑफ एग्जाम. और उसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है. और तीसरा रिसर्च यही बताता है कि मोर एफर्ट्स टू रिमेम्बर, मोर थिंकिंग टू रिकॉल. क्या बताया है, तीसरा, मोर एफर्ट्स टू रिमेम्बर, मोर एफर्ट्स टू रिकॉल. जितना आप प्रेशर दोगे रिमेम्बरिंग याद रखने के लिए, जितना प्रेशर दोगे उतना प्रेशर देना पड़ेगा आपको सोचने के लिए एट द टाइम ऑफ एग्जाम, बिकॉज यू कैनॉट रिकॉल इट इजीली. उसके लिए चाहिए आपको सिस्टमेटिक रिविजन, की जो आपने डेटा रखा है उसको खाली रीऑर्गेनाइज करें. रीऑर्गेनाइज अगर डेटा हो जाता है फ्रिक्वेंटली देन इट विल बी वेरी इजी. अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियर, ओके सर प्लीज रिपीट फर्स्ट वन, मैं बताता हूँ सर ऑल थ्री रिसर्च मैं आपको बताता हूँ. तो इसमें सिस्टमेटिक रिविजन क्या होता है कि आपके पास एक बार जो डेटा आया है वो लाइफ टाइम आपके पास है, तो आपको बार बार डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. तो क्या करना है, जो ऑलरेडी डेटा आपके पास आया है उसको खाली रीऑर्गेनाइज करो. इज एनी वन फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो उनको मालूम है, उनको डेटाबेस के ऊपर अगर किसी ने काम किया है तो उनको मालूम है कि इंडेक्सिंग करना पड़ता है. इंडेक्सिंग करेंगे कोई भी फील्ड का तो आपका डेटाबेस फास्ट हो जाएगा. इवन आप अगर एक्सेल यूज करते हैं तो उसमें सॉर्ट करके कमांड है. एक्सेल में जो सॉर्ट करके कमांड है, वो सॉर्ट कमांड से आपको क्या मिलता है, तो जो भी चीजें हैं सब चीजें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाती है, राइट. और जैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आती है उसी से हमारा काम बनता है. कोई भी चीज अगर ढूंढना है तो वी कैन फाइंड आउट इजीली. तो इसलिए ये रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं वापस आपको ये रिसर्च बताता हूँ. रिसर्च नंबर वन है कि देर आर ओनली 5 सेंसर्स, और ये 5 सेंसर्स हमारा इनपुट डिवाइसेस, मतलब हमारे ब्रेन को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये 5 सेंसर के थ्रू इंफॉर्मेशन चली जाती है. तो हमारा लर्निंग ये 5 सेंसर से हो रहा है. कौन से 5 सेंसर्स हैं, हमारा आँख है, दूसरा हमारा कान है, तीसरा स्मेल के लिए नोज है, टेस्ट के लिए टंग है, एंड फिफ्थ वन इज आवर टच, जिसको हम टच करके देखते हैं और उसका जो फीलिंग्स है वो ब्रेन को हम फॉरवर्ड करते हैं. तो ये 5 सेंसर्स एज ए इनपुट डिवाइसेस. और इम्पोर्टेंट थिंग इज, रिसर्च ये बताता है कि ये 5 सेंसर्स ने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, दैट इंफॉर्मेशन इट विल बी रिमेन फॉरएवर इन योर ब्रेन. यू कैनॉट डिलीट इट, वी डोंट हैव डिलीट बटन. अगर हमारे पास डिलीट का बटन ही नहीं है तो हम भूल जाएंगे क्या? इज इट पॉसिबल टू फॉरगेट, बताओ जरा. इज इट पॉसिबल टू फॉरगेट, आपको क्या लगता है, भूल जाएंगे? नहीं भूल जाएंगे, कभी भी नहीं भूल जाएंगे. लेकिन होता क्या है, जब हमें चाहिए वो टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती नहीं. इसका मतलब क्या है, सर्चिंग के लिए टाइम लग रहा है, डेटाबेस बहुत बड़ा है और वो डेटाबेस में हमें सर्च करने के लिए जितना टाइम चाहिए उससे ज्यादा टाइम लग रहा है. तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो डेटा यहाँ रखा है उसको रीऑर्गेनाइज करना जरूरी है. उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ आपकी जो रोज एंड कॉलम्स है उसको असेंडिंग डिसेंडिंग करना जरूरी है. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमने स्टडी के लिए ली है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए हमने जो ली है उसको रीऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है. दैट इज हैपनिंग थ्रू सिस्टमेटिक रिवीजन. दूसरा रिसर्च मैंने बताया था, इफ यू आर रिमेम्बरिंग एनीथिंग यू हैव टू थिंक टू रिकॉल. अगर आपने कोई चीज याद रखी है तो उसको रिकॉल करने के लिए आपको सोचना ही पड़ेगा.
अगर याद नहीं रखी है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इट विल कम ऑटोमेटिक। आप आपके बच्चों को पूछ सकते हैं लास्ट ईयर का, उन्होंने बहुत सारा स्टडी किया था फिर भी उनको कोई भी एक सब्जेक्ट का नाम बताओ और उसमें चार नंबर का या पांच नंबर का लेसन कौन सा था उसको पूछो, दे विल बी ब्लैंक, क्योंकि उन्होंने सब कुछ रट्टा मार के याद रखा था कि ये क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, और एग्जाम जैसे हो गया उन्होंने फ्लश कर दिया पूरा नॉलेज भी से आपके, राइट। तो ये क्या होता है एग्जैक्टली डिसअपीयर होता है, मतलब क्या होता है, तो उनका जो प्रायोरिटी था जैसे एग्जाम हो गया उन्होंने ब्रेन को रिसेट कर दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने स्टोर किया था वो टेम्पररी स्टोर किया था, जिसको उन्होंने प्रायोरिटी का टैग लगवाया था वो प्रायोरिटी का टैग हटा दिया और वापस पूरी इंफॉर्मेशन उनके गोडाउन में जाके पड़ी जो शोरूम में रखी थी, जैसे एग्जाम तक शोरूम में थी, जैसे एग्जाम हो गया उन्होंने प्रायोरिटी शोरूम का टैग हटा दिया और सब जितना भी कंटेंट था जो भी नॉलेज हमने लिया था एवरीथिंग गॉट बैक टू गोडाउन, और जो गोडाउन अभी गया है उसको ढूंढने के लिए तो टाइम लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके बच्चे नहीं बता पाएंगे, दे कैन टेल यू, लेकिन आपको उसके लिए उनको टाइम देना पड़ेगा, इनफ टाइम देना पड़ेगा, उनका ब्रेन कितना फास्ट प्रोसेस करता है डेटा को उसके हिसाब से उसको टाइम देना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने भी एक्सपीरियंस किया है, देखो बहुत बार हम लोगों को मिलते हैं कुछ चीज बताना रहती है लेकिन हम भूल जाते हैं वो टाइम, और कुछ एक दो दिन के बाद कुछ अलग काम कर रहे हैं इमिडिएटली याद आ जाती है, अरे हाँ उसको ये चीज बताना था अब भी याद आ गया, व्हाट इज दैट। तो हमारा ब्रेन ने उसी टाइम से सर्च चालू किया है, सो योर सर्च इंजिन स्टार्टेड एट दैट टाइम और उसको 24 घंटे 48 घंटे के बाद आज अभी वो चीज हमें याद आ गई है। इसका मतलब देखो कि ब्रेन के अंदर जो डेटाबेस है डेटाबेस को सर्च करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इट्स अ ह्यूज डेटाबेस, बहुत बड़ा डेटाबेस है, और इसीलिए उसको सिस्टमेटिक रिवीजन करेंगे तो तुरंत याद आ जाता है, तुरंत याद आ जाता है। और ये सिस्टमेटिक रिवीजन ब्रेन साइंस के हिसाब से अगर करेंगे देन एंड देन ओनली इट विल बी बेटर, बिकॉज फाइनली प्रोसेसिंग ब्रेन के अंदर होने वाला है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। सो इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? आई थिंक नाउ यस सर, दिस रिसर्च हैज बीन नाउ क्लियर। और इतना सब कुछ ये रिसर्च को कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, नोबडी इज यूजिंग दिस ब्रेन साइंस टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन बिकॉज एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड द सिलेबस, वही करना है, सिलेबस के पीछे भागना है, बिकॉज पेरेंट्स आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन सिलेबस। पेरेंट्स भी अगर किसी टीचर ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिखा दिया, सर जी वो सब कुछ छोड़ दो बच्चों को एग्जाम के लिए ये नहीं आने वाला, सिलेबस आने वाला है, आप सिलेबस ही सिखा दो, अभी क्या करेंगे पेरेंट्स, टीचर्स भी बोलेंगे कि ठीक है आपने पैसा दिया है सिलेबस के लिए हम सिलेबस सिखाएंगे, बच्चों का डेवलपमेंट करना है नहीं करना है वो आपका लुकआउट है, गॉट इट। सो बिकॉज ऑफ दिस सिंस योर स्टडी इज नॉट ब्रेन फ्रेंडली, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंस योर स्टडी इज नॉट ब्रेन फ्रेंडली देर इज नो फन इन स्टडी। मुझे अगर कोई चीज अगर अच्छी लगती है और उसका डिश मेरे सामने रखा तो आई विल बी हैप्पी और नॉट, यस बहुत मजा आएगा ना खाने के लिए, आज संडे भी है और ऐसी अगर मेरी फेवरेट डिश अगर मेरे सामने आपकी फेवरेट डिश आपके सामने अगर आ जाती है तो वील एंजॉय इट, ये हम एंजॉय इसीलिए करेंगे क्योंकि वो हमें अच्छी लगती है। अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगती है वो अगर हमारे सामने रखी तो संडे मॉर्निंग और करेले का जूस रखा है किसी ने सामने, ये ऐसे ही हो रहा है, देर इज नो फन इन स्टडी बिकॉज योर पैटर्न्स आर योर स्टडी के जो पैटर्न्स है स्टडी के जो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं इज नॉट ब्रेन फ्रेंडली। ब्रेन को नेचुरली यूज करना बहुत जरूरी है, वी आर मैनिपुलेटिंग द सिस्टम। दूसरा यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों के लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रॉब्लम्स मैंने लिखे हैं, देयर इज नो फन इन स्टडीज, आप बता सकते हैं इज देयर एनी फन इन स्टडी, इज देयर एनी रिमेम्बरिंग एंड रिकॉलिंग परफेक्टली, नो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं,
इज योर चिल्ड्रंस गेटिंग एक्सपेक्टेड मार्क्स, उसको भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है. देन सेल्फ लर्निंग एबिलिटी है, आप बिलीव नहीं करोगे, ये सेल्फ लर्निंग एबिलिटी के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चों को. आज जो ऑलरेडी लर्न किए हुए लेसन है, जो टीचर ने टीच किए हुए लेसन है, वो लेसन को भी उसको रिपीट करते समय सो मेनी टाइम्स दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड. उनको वो पैटर्न्स भी क्लियर नहीं होते हैं कि उन्होंने क्या सिखाया था, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. देन नेक्स्ट पॉइंट इज देर इज नो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ढल जाता है. क्या सच में बच्चों के पास कॉन्सेंट्रेशन नहीं है? मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं, ऑलमोस्ट 90% पेरेंट्स का वही क्वेश्चन रहता है कि सर बच्चों के पास इंटरेस्ट भी नहीं है स्टडी के लिए और उसके पास कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं. मैं बोलता हूँ ये 100% गलत है. आपके बच्चे के पास कॉन्सेंट्रेशन भी है और आपके बच्चे के पास इंटरेस्ट भी. अगर कॉन्सेंट्रेशन और इंटरेस्ट नहीं होता तो हाथ में मोबाइल आने के बाद उतना क्यूरियसिटी से वो गेम नहीं खेलता, नए नए गेम को ढूंढ नहीं पाता और वो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो गेम भी नहीं खेलता. हम हमारा कोई सीरियल्स रहेगा, फेवरेट सीरियल रहेगा तो हम कितना कॉन्सेंट्रेशन से देखें. इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट एन इश्यू, हाउ टू यूज दिस कॉन्सेंट्रेशन इन स्टडीज इज द इश्यू. बच्चों के पास कॉन्सेंट्रेशन है या नहीं है? है. उनको मालूम नहीं है कि उसको कैसे यूज करना है. हम बच्चों को रीडिंग राइटिंग सिखाते हैं लेकिन बताते क्या है, थोड़ा ध्यान देके पढ़ो, राइट ना, थोड़ा ध्यान देके पढ़ो. हमें भी और आपको भी बताया था किसी ने कि ध्यान देके पढ़ो, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ध्यान देके पढ़ो का मतलब क्या है. आप में से किसी को मालूम है हाउ टू रीड विथ कॉन्सेंट्रेशन? ध्यान देके पढ़ लो मतलब रीड विथ कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है, कोई बोल सकता है आप? क्या बहुत सारे टीचर्स भी है आज के सेशन में और काउंसलर्स आर आल्सो देयर, विल यू इलेबरेट दिस टर्म? हम तो बताते हैं जैसे इवन ऑर्डिनरी पेरेंट्स आल्सो गिविंग द सेम सजेशन कि थोड़ा ध्यान देके पढ़ो, और अगर ध्यान देके पढ़ने से भी नहीं होता है तो लिखो. मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एंड क्लासेस में वो रट्टा मारने के लिए 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, ये असाइनमेंट दिए जाते हैं. मैं तो बोलता हूँ कि अगर ये ऐसे असाइनमेंट देने वाले टीचर्स दे आर नॉट क्वालिफाइड टू टीच द स्टूडेंट्स. यस, मैं इंटरनेशनल स्कूल्स में, सीबीएसई आईसीएसई स्कूल्स में जाकर टीचर्स को सिखाता हूँ. आई एम आर्ट ऑफ टीचिंग सर्टिफाइड फ्रॉम वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी. सीधा बोल देता हूँ, इफ यू आर गिविंग दिस टाइप ऑफ असाइनमेंट्स यू आर नॉट क्वालिफाइड to teach in this environment. क्योंकि आप बच्चों को समझ नहीं पा रहे बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या है. आप बच्चों को कुछ अलग तरीके से, अलग खाली उनको गधा जैसा काम करवा रहा है. और जब उनको पता चलता है कि रियालिटी की यस उस कनेक्शन यहाँ है, ये बच्चों को कैसे ट्रीट करना जरूरी है. सो बेस्ड ऑन दैट व्हेन दे आर स्टार्टिंग इम्प्लीमेंटिंग माई सिस्टम इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट स्टार्ट. तो ये बहुत जरूरी है. यहाँ किसी ने तो मैसेज दिया है फोकस एंड रीड. अनघा हैज सेड कि फोकस एंड रीड. अभी फोकस का ही मेन प्रॉब्लम तो वही है ना, फोकस का. कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं है, राइट? तो कॉन्सेंट्रेशन यूज कैसे करना मालूम नहीं है. तो फोकस मतलब कैसे, कि ऐसे सामने रख के इधर उधर देखना ही है लाइक दैट? क्या फोकस का मतलब क्या है? डाइवर्शन तो होने वाला ही है बिकॉज हम 10 सेकंड से ज्यादा एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते. इमीडिएटली हम इधर उधर देखेंगे ही देखेंगे. अगर 10 सेकंड से ज्यादा अगर हम एक तरफ अगर देखेंगे तो यूर आईज विल गेट इरिटेटेड, वहां पे प्रेशर आ जाएगा. एंड टू रिलीज दैट प्रेशर आपको इधर उधर देखना ही है. तो फिजिकल ऑल्सो यू हैव टू चेक इट. बॉडी भी डैमेज नहीं होना चाहिए. आपका तो मेन सेंसर है जिससे ऑलमोस्ट 83% स्टडीज हमारा उसी सेंसर से मिलता है. ऑलमोस्ट 83%. देन नेक्स्ट पार्ट इज कॉन्फिडेंस. आजकल के बच्चों का कॉन्फिडेंस तो इतना लो है कि पूछो मत. इवन ग्रेजुएट बच्चा भी 15 साल का स्टडी के बाद भी
आगे जब पूछता है कि पेरेंट्स को पूछता है कि आगे मैं क्या करूं, अभी पेरेंट्स क्या बताएंगे? फाइनली किसी ने तो बोला होता है कि जा एमबीए कर, तो बच्चा जाता है कॉलेज में एमबीए का फॉर्म लाने के लिए। वहां जाने के बाद पता चलता है कि सामने वाला पूछता है कौन सा एमबीए चाहिए, एमबीए एचआर चाहिए, एमबीए सेल चाहिए, एमबीए प्रोडक्शन चाहिए, एमबीए आईटी चाहिए, तो कंफ्यूज हो जाता है। वहां से पापा को फोन लगाता है, पापा यहाँ तो इतने सारे एमबीए, मैं कौन सा करूं? पापा बोलता है तो छोड़ दे एमबीए, घर आ जा वापस, बाद में देख। व्हाई दिस इज हैपनिंग? क्योंकि उनका डिसीजन, उनका स्किल डेवलप नहीं हो गया है, उनका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं हो गया है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज उनके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं। थर्ड थिंग, लास्ट पार्ट इज एटीट्यूड, एटीट्यूड टुवर्ड्स एग्जाम, एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडी एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल। ये सब एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर पॉजिटिव रहेगा टुवर्ड्स सेल्फ, टुवर्ड्स स्कूल, टुवर्ड्स सिलेबस, टुवर्ड्स एग्जाम, टुवर्ड्स पेरेंट्स, टुवर्ड्स स्कूल, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें से एक भी जगह पे अगर उनका एटीट्यूड नेगेटिव जोन में चला जाता है तो उसका इम्पैक्ट उनके करिकुलम में हो जाता है, उनका स्टडीज में हो जाता है। एंड फॉर दैट पर्पज वी हैव डिजाइंड अ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जिसका नाम है स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर। ये स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी क्या होता है? स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी में आपको क्या मिलेगा? तो बच्चों का स्किल डेवलप करके मिलेगा, बच्चों का स्किल डेवलप करके मिलेगा, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये बच्चों का स्किल जैसे ही डेवलप हो जाएगा, वी आर फोकसिंग ओनली ऑन स्किल डेवलपमेंट, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एनीथिंग, वी आर नॉट टचिंग देयर सिलेबस, नेवर। लेकिन एक बार अगर बच्चों को पता चला कि स्टडी कैसे करना है, उसको लाइफ टाइम किसी टीचर की जरूरत नहीं। इस फैक्ट लाइफ टाइम उनको किसी टीचर की जरूरत नहीं है। अगर मिल जाता है टीचर तो ओके, अगर नहीं भी मिल जाता है टीचर तो ही इज हैविंग कैपेबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप बोलोगे तो क्लासेस तो जरूरी है, लेकिन क्लासेस कितने स्टैंडर्ड तक आप दोगे? 10 तक दिया, उसके बाद अभी 12 तक आया है क्लासेस, अभी अभी तो ग्रेजुएशन के लिए भी क्लासेस आ गए हैं, उसके बाद क्या नौकरी के लिए भी क्लासेस लगवाओगे? बच्चे का शादी करोगे तो क्या उसके लिए भी क्लासेस लगवाओगे? तो बीवी को कैसे हैंडल करना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, मम्मी पापा को कैसे हैंडल करना है? लाइफ टाइम हमें क्या क्लासेस की जरूरत है? मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमें खुद को सीखना बहुत जरूरी है। और सच में फ्रेंकली बताऊं तो ये जो चीज है स्किल्स की, हमें तभी यूज होती है जब हमारा कॉलेज कंप्लीट हो जाता है एंड रियल लाइफ चालू हो जाती है। दैट्स इट, उसका इम्प्लीमेंटेशन वहां है। हम आज खाली मार्क्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप मुझे बताओ 10 स्टैंडर्ड में जो भी मार्क्स मिल रहे हैं उसका एक्सपायरी कितना है? किसी के बच्चे है 10th में या 10th पास हो गए हैं? Anybody? Yes, sir. हाँ, रागिनी मैम, आपका बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में है? अभी 11th क्लास में है। अभी 11th में है, लास्ट ईयर 10th कंप्लीट किया, राइट? Yes, yes, yes. तो उसको जो भी 10th स्टैंडर्ड में मार्क्स मिले वो अभी एक्सपायर हो गए या उसका वैल्यूएशन अभी भी बाकी है? Definitely expire हो गया, अभी next स्टैंडर्ड के लिए उसको नेक्स्ट ट्राई करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, अभी उसको फोकस करना पड़ेगा 12th के ऊपर। मैंने भी 10th स्टैंडर्ड में, मैं मेरिट में था, बोर्ड का मेरिट में था, मेरा स्कूल का 1957 टू 1990 का पूरा रिकॉर्ड ब्रेक किया था, लेकिन उसका एक्सपायरी क्या 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया, उसके बाद आज तक मुझे किसी ने भी नहीं पूछा कि तुझे 10th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं है। उसका वैल्यू है 11th स्टैंडर्ड का गेटवे है वो, एक बार 11th स्टैंडर्ड को एडमिशन मिल गया, फिनिश, उसके बाद देयर इज नथिंग, उसका वैल्यू नहीं है। तो लेकिन अगर 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस का स्टडी करते समय आपको जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी आपका स्किल डेवलप है हो गया है, उसका वैलिडिटी कितना? उसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम।
क्या है, लाइफ टाइम, राइट। तो हम लाइफ टाइम के लिए काम करेंगे या टेम्पररी के लिए काम करेंगे? हेलो, स्टैंडर्ड में 95 मार्क्स लाने के लिए हम काम करेंगे या? हाँ प्रियदी, सॉरी मैम, सर लाइफ टाइम के लिए काम होगा ना अपना? एग्जैक्टली, तो हमारे बच्चों की डेवलपमेंट लाइफ टाइम के लिए होनी चाहिए। तो बच्चों के लाइफ टाइम के लिए डेवलपमेंट तभी हो जाएगी जब बच्चों को पता चलेगा कि मैं ये स्टडी क्यों कर रहा हूँ, उससे मुझे क्या मिलने वाला है, एंड पेरेंट्स का फोकस उसी के ऊपर रहेगा कि ये सिलेबस अगर मुझे कंप्लीट करना है तो ये सिलेबस का स्टडी करने के बाद मुझे जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, परसेंटेज नहीं मिले तो भी चले, लेकिन मेरी गारंटी इतनी है अगर आपके हो उसके अंदर जो स्किल का सेट दिया है वो अगर स्किल का सेट मिल जाता है तो आपको परसेंटेज ऐसे ही मिल जाता है। सो टिल टुडे माय सन हैज फोकस्ड ओनली ऑन स्किल्स और उसका स्कोर कभी भी 90 से नीचे नहीं आया है। रागिनी मैम नोज अबाउट मी इन डिटेल, हम बहुत बार मिले भी हैं। रवि मस्के सर नोज मी पर्सनली और मेरा फैमिली को जानते हैं। मेरा बच्चे का काफी अच्छा रिकॉर्ड है, मैं आपको उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे हैव एंजॉयड दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आज तक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव एंजॉयड दिस फ्रॉम 20 कंट्रीज। मुझे कहने के लिए बहुत खुशी होती है कि आई वर्कड इन 20 कंट्रीज स्टूडेंट्स और उनको मैंने ये टेक्नोलॉजी दी है। सो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे डिटेल्स, जस्ट मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल के तौर पे मेरा एक टेस्टिमोनियल बताता हूँ। लेट मी या तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? यस सर। या ही इज वन ऑफ माय स्टूडेंट, नाम है प्रियांशु ठाकुर, मुंबई कांदिले में रहता है, चारकोप सेक्टर 3। मैं इतना डिटेल इसलिए बताता हूँ कि वो आज भी उसी जगह पे रहता है और आप खाली गूगल पे जाके प्रियांशु ठाकुर का नाम टाइप करो तो आपको उसका पूरा डिटेल्स आ जाए। बच्चा 21 ईयर्स का है और ये बच्चा जब 9th स्टैंडर्ड में था तभी वो मेरे पास आया था उसके मम्मी पापा लेके। मैथ्स में उसको 3-4 मार्क्स मिलते थे, स्टडी में कहीं भी फोकस नहीं था, स्पेशल कोचिंग लगवाया था लेकिन बच्चे का स्टडी पे ध्यान नहीं था। आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने 9th तो क्लियर कर दिया, 10th भी क्लियर कर दिया, 10th को क्लासेज छोड़ दिए, बंक कर दिया। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में उन्होंने कॉमर्स लेने के बावजूद भी मैथमेटिक्स स्पेशल सब्जेक्ट लिया जिसको 9th स्टैंडर्ड में 3 और 4 मार्क्स मिलते थे। और ये साल दिस ईयर उन्होंने IIM अहमदाबाद ऑल ओवर इंडिया 18 रैंक आया है उसका। ही इज अ स्पेशल इन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, उसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है एज वेल एज बहुत सारे अवार्ड से। उसका अवार्ड का लिस्ट अगर देखें तो वन पेज कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम 15-20 अवार्ड तो उसको मिले हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये उसका स्कल्प इंटरनेशनली मॉडल पे गया है एंड आप बिलीव नहीं करोगे मुंबई काला घोड़ा में उसका खुद का अकेले का एग्जीबिशन चलता इन दैट एंटायर काला घोड़ा हॉल, कितना बड़ा ऑडिटोरियम सॉरी एग्जीबिशन सेंटर है वहां पे उसका खुद का एग्जीबिशन चलता। सेकंड में बताना चाहता हूँ कि हिज सेकंड टेस्टिमोनियल वी कैन वेरी वेल से इज माय सन प्रतीक, मास्टर प्रतीक पाखरे, अभी 12th स्टैंडर्ड में है। ही इज अ स्पोर्ट्समैन, 7, 8, 9, 10 ये 4 साल में उनके पास कैप्टनशिप था डॉजबॉल और नेटबॉल। डेली 3 आवर्स ग्राउंड पे खेलना मैंडेटरी, 4 साल में एक भी मुंबई महापौर चषक उन्होंने छोड़ा नहीं। तो 8 महापौर चषक, 8 गोल्ड मेडल्स, स्टेट लेवल तक का चैंपियनशिप लेके आ गया। दिस दीज आर हिज क्वालिटीज। सेकेंड क्वालिटीज, ही इज अ मैजिशियन,
स्टेज परफॉर्मर, जूनियर केजी का ये फोटो है, देन ही वाज परफॉर्मिंग मैजिक इन हिज जूनियर केजी स्कूल। और ये है, ये इनको जानते हैं, ही इज अ इंटरनेशनल मैजिशियन पीसी सरकार एंड ही इज माय सन। थर्ड इनका क्वालिटी में बताना चाहता हूं कि ये लॉकडाउन में 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम का स्टडी करते करते ही बिकम वन ऑफ द यंगेस्ट सर्टिफाइड इथिकल हैकर। एंड दिस इज द सर्टिफिकेट, यहाँ डेट देखो 27 दिसंबर अभी लेटेस्ट डेट है, लास्ट वीक ही हमने इसको, लास्ट टू लास्ट वीक वी हैव कंप्लीटेड दिस एग्जाम and we got the certificate and this is validity till 2023. normally sab kuch hone ke baad, matlab hamara pura education hone ke baad hum aise certification ke piche lagta hai, hamare career ke piche lagta hai, lekin mera pattern thoda sa alag hai. pehle career dekho kya hai, humne hamare bacche ka career 7th standard mein set kiya, kya karna hai life mein, and tabhi se leke aaj tak usko usi direction mein hum khali guide karte gaye. And you can't believe before 18 he is on track of his life. आगे जाके ethical hacker बनना था, आज वो certified ethical hacker है, जुलाई में उसको 18 years complete हो जाएंगे and after that he can work anywhere as a certified ethical hacker. उसको graduation की जरूरत, वो parallel करेगा graduation, उसको BCA करना है या BCS करना है, so based on that he will be. तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारा एजुकेशन में अगर हम फोकस करेंगे प्रॉपर सिस्टम के ऊपर तो बहुत ही इजी हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी स्कूल्स एंड क्लासेस अभी सब कुछ ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गए हैं. जिन बच्चों को ऑफलाइन में किसी टीचर को हाथ रेज करके पूछने की इच्छा नहीं थी, वो भी ऑफलाइन में कैसे सीख रहे हैं, यू कैन बिलीव. अभी रिसेंटली सर्वे हो गया है, मोर देन 80% स्टूडेंट्स आर लैकिंग इन दिस एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम में ये सब कुछ नहीं बैठ रहा है, बिकॉज वी आर नॉट दैट मच टेक्नोसेवी. हमने फोकस नहीं दिया था आज तक, अभी ये कोरोना की वजह से हमने अभी उसको फोकस किया है, बिकॉज वी शुड नॉट लूज दिस टेक्नोलॉजी, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, राइट. और उसका भी स्किल डेवलपमेंट में उसका फोकस रहेगा क्या, ऑफलाइन में नहीं था तो ऑनलाइन में रहेगा, नहीं रहेगा, एंड इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो. एज वेल एज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स देखो, आज कितने बच्चों का जॉब चला गया, कितने लोग अभी बिजनेस के लिए रेडी हो रहे हैं, ये सब कुछ चीजें देखना बहुत जरूरी है. एंड इसलिए एजुकेशन अगर राइट ट्रैक पे है, this is one of the major pillar in life, skill based education is major pillar, aur uske liye hum abhi aage jayenge. so before going to the business opportunity to aapko khali mujhe 10 minute mein dikhana hai, 5 to 10 minutes maximum. to udhar jane se pehle main mujhe introduce karna chahta, because you will be associating with me, so is it okay, I'll share myself little bit about myself, मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है. इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट टाइप यस इन कमेंट बॉक्स. अगर किसी का नो है तो नो इश्यू, आई विल नॉट शेयर, क्योंकि मुझे मेरे बारे में जानने के लिए आप खाली गूगल पे भी मेरा नाम डालोगे तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाए. मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर अवेयर अबाउट मी ऑल्सो, सो माई सेल्फ, ओके, थैंक यू वेरी मच. तो मैं सिर्फ डॉक्टर मोहन पाकरे, मैं लाइफ कोच हूँ, बिजनेस कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ. मेरा रिसर्च है मैथमेटिक्स में, अभी तक दो रिसर्च है मैथमेटिक्स में. आई हैव पीएचडी इन मैथमेटिक्स, दैट्स व्हाई डॉक्टरेट इज देयर. आई एम सेल्फ एस्टीम कोच, माइंडफुलनेस कोच हूँ, ग्राफोलॉजिस्ट हूँ. साथ में साथ अभी जैसे मैंने बताया कि मैं टीचर्स लोगों को भी सिखाता हूँ, तो आई एम आर्ट ऑफ टीचिंग सर्टिफाइड फ्रॉम वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी. मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल मुंबई डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन था in 2019-20. I'm the member of American Union of NLP, record holders Republic Community United Kingdom, Global Sciences Foundation United Kingdom. ये Global Sciences Foundation आपने शायद
द सीक्रेट मूवी देखा होगा, द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है, तो उसमें डॉक्टर जो विटाले है, सो ही इज वन ऑफ माय मेंटर, और ये ग्लोबल साइंसेस फाउंडेशन उनका फाउंडेशन है जिसके थ्रू वर्ल्ड वाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उसको प्रमोट किया जाता है. एंड साथ में आई एम द मेंबर ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स क्लब ऑफ इंडिया. And this is my program. I am student transformation mastery is my project. जिसको मैंने खुद डिजाइन किया है and I am the founder of student transformation hub. अभी तक हमने तीन अलग अलग hubs तैयार किए हैं. उसमें पहला hub है student transformation hub, दूसरा है parent school for transformation, एंड तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन हब फॉर यूथ. इसमें हम किसी को छोड़ने वाले नहीं. जो स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन हब है उनको 10 ईयर से 18 ईयर तक उनको उसी ग्रुप में ट्रेनिंग दिया जाता है. जो पेरेंट्स है उनको स्पेशली पेरेंट स्कूल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. एंड थर्ड वन जो कॉलेज के बच्चे है 12th स्टैंडर्ड एंड अबव, उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन हब फॉर यूथ. Genius India Research and Training Institute Private Limited is my organization. I am the founder and president of Genius India. And we are supporting students and parents through webinars, workshops. Abhi to live workshops, seminars nahi hai, to webinars hai. And workshops is jagah pe bhi live workshops chal rahe hain. Mera naam already Limca Book of Record mein hai, India Book of Record mein hai, World Record India mein hai, Assist World Record. इसलिए मैं बोला कि आप जस्ट गूगल पे जाके पास्कल स्ट्रैंगल लिम्का रिकॉर्ड करके लिखो, या डॉक्टर मोहन पाखरे लिखो, या स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन हब लिखो, इसमें से कोई भी नाम लिखो, गूगल पे पहले पेज पे जितना भी क्वेरीज आएगा अपना ही आएगा. सो वी आर ऑलरेडी रैंक्ड इन गूगल ऑल्सो. सो यू कैन ट्राई स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन हब, आपको उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा. आप लिखो जीनियस इंडिया रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मिलेगा. पास्कल स्ट्रैंगल लिम्का बुक रिकॉर्ड वहां पे आएगा. या खाली मेरा नाम भी लिखोगे मोहन पाखरे या डॉक्टर मोहन पाखरे, आपको पहले पेज के ऑल 10 रिकॉर्ड्स विल बी आवर्स. बगर गाड़ना पाइप नहीं करे, बगर गाड़ना पाइप नहीं करे. यहाँ पे हमें देखना है आगे. दिस ऑल दीज आर माई सोशल एक्टिविटीज. मेरा विजन है ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड विद स्किल्ड एजुकेशन. खाली एजुकेशन नहीं देना है तो स्किल्ड एजुकेशन देना है, सो दैट उसमें ब्रेन साइंस रिसर्च का ईबीटी मतलब इट्स नॉट इमोशनल बिहेवियर थेरेपी, इट्स अ एविडेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी. हर एक ब्रेन को, हर एक दिमाग को क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए, पुरावा चाहिए. पुरावा त्यालाच एविडन्स म्हटलं जातं मराठीमध्ये, पुरावा म्हणतो आपण. सो एविडन्स बेस्ड टेक्नॉलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नॉलॉजी इन ब्रेन सायन्स, बिकॉज विदाउट एविडन्स हम कुछ भी नहीं बिलीव करते. हमें एविडन्स मिल गया, हम हर एक कोई भी चीज को बिलीव करना चालू करते. सो टू रिप्लेस, टू ट्रांसफॉर्म आवर बिलीफ सिस्टम, ईबीटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. एंड माई मिशन इज ट्रेन 1 लाख स्टूडेंट्स. यहाँ पे हमने अभी 2020 का हमने रिकॉर्ड लिया था. 2020 में ऑलमोस्ट 1 लाख तो हो गए नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 30,000 हमने कंप्लीट किए. एंड राइट नाउ इन 2021 वंस अगेन वी हैव टेकन दिस एज अ सोशल प्रोजेक्ट. लास्ट टाइम तो हम सोशल प्रोजेक्ट में नहीं थे, लेकिन दिस टाइम वी आर इन सोशल प्रोजेक्ट. और थ्रू सोशल प्रोजेक्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट में 1 लाख बच्चों को सिखाने वाला. हमारा कोड ऑफ ऑनर है सबको फ्रीडम मिलना चाहिए, सबकी ग्रोथ होना चाहिए, दे शुड हैव अ क्लैरिटी. हम जो भी काम करें उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, एफिशिएंसी हमारा बढ़ाना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए, एंड वी शुड हैव हेल्दी लाइफस्टाइल. जितने भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जितने भी बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, दे शुड हैव ऑल दिस 5-6 कोड ऑफ ऑनर्स. एंड दिस इज आवर की प्रोडक्ट स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी. और उसके अंदर ये 8 अलग अलग प्रोग्राम्स भी आते हैं. In addition to this, we have some various tests also. उसमें personality test है, DMIT test है, fingerprint की, color analysis test है, multiple intelligence test है, learning style test, acquired skill test, handwriting में graphology test है,
इंजीनियरिंग में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, लेकिन कौन सा इंजीनियरिंग करना है, तो फॉर दैट पर्पज इंजीनियरिंग ब्रांच सिलेक्शन टेस्ट एंड ऐसे और भी बहुत सारे टेस्ट है कि जो साइकोलॉजी और साइकोमेट्रिक टेस्ट। सो लेट अस कम टू द बिजनेस मॉड्यूल। बिजनेस मॉड्यूल्स में अलग अलग हमारे 5 पार्ट्स हैं, देर आर 5 डिफरेंट वैरायटीज एंड देयर इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस। पहला है एफिलेट, इफ यू कैन ज्वाइन एज ए एफिलेट देर इज नो इन्वेस्टमेंट, यू कैन ज्वाइन इफ यू आर माई कस्टमर यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट प्रमोटिंग देर इज ऑल्सो नो एनी इन्वेस्टमेंट। लेकिन आप अफिलिएट भी नहीं है और कस्टमर भी नहीं, आपको B2C ज्वाइन करना है, बिजनेस टू कस्टमर, उसको हम फ्रेंचाइजी कहते हैं, बेसिक फ्रेंचाइजी। तो उसमें स्टैंडर्ड में तो स्टैंडर्ड फ्रेंचाइजी है, उसमें 50,000 इन्वेस्टमेंट है, आपको रिटर्न मिलेगा 75,000। B2C प्रीमियम बिजनेस टू कस्टमर वंस अगेन सेकेंड लेवल, उसमें 1,00,000 या इन्वेस्टमेंट है और उसका 2,00,000 का रिटर्न है। B2B ये हायर लेवल का फ्रेंचाइजी है, जिसमें तो आपको फ्रेंचाइजी रिक्रूट करने का राइट्स भी दिया जाता है, उसका इन्वेस्टमेंट है 5,00,000 एंड 12.5 लाख और मास्टर में 10,00,000 एंड 25,00,000। अभी उसका रिटर्न्स कैसे आता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो रिटर्न्स का कॉलम लिखा है कि ये 50,000 दिया तो ये 75,000 मिल जाएंगे, कैसे मिल जाएंगे, तो इसमें ये है हमारा रिटर्न का रेशियो। मान लो कि आपने B2C कर लिया है, B2C में 50,000, तो 50,000 का बिजनेस जो है उसमें आपको 75,000 का रिटर्न मिलने वाला है, दैट रिटर्न यू हैव टू टेक इट इन 3 मंथ्स। तो जो भी बिजनेस आपके यहाँ से मिलेगा 50% बिजनेस आपको जाएगा, 50% बिजनेस हमें जाएगा। मतलब अगर आपने 1,00,000 का बिजनेस कर दिया तो 50,000 आपको मिलेगा, 50,000 ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। बट ये कब तक रहेगा, जब तक आपका इनिशियल अमाउंट का जो 50,000 है उसका 75,000 आपको रिटर्न मिलने। एक बार आपको 75,000 आपका रिटर्न कंप्लीट हो गया, आफ्टर दैट योर परसेंटेज विल स्टार्ट। ओके, जो भी उसके लिए जो परसेंटेज अलॉट किए हैं वो परसेंटेज स्टार्ट हो जाएगा, तब तक आपको मिलेगा 50-50 रेशियो। B2C प्रीमियम में आपको मिलेगा 60%-40% रेशियो, मतलब 60% फ्रेंचाइजी को 40% ऑर्गेनाइजेशन। अगर B2B है तो 70% फ्रेंचाइजी रेशियो रहेगा एंड 30% ऑर्गेनाइजेशन रेशियो रहेगा। एंड अगर आपका स्टेट लेवल है, जिसको हम यहाँ पे मास्टर कहा था, अगर स्टेट लेवल का फ्रेंचाइजी है देन इट विल बी 80%-20%। अब इसका परसेंटेज कितना रहेगा मैं बताता हूँ, इन दैट यू विल गेट परसेंटेज। अगर एफिलेट है तो आपको 10% मिलेगा। If you are a customer, then you will get 20% commission. अगर आप B2C franchisee है जिसने 50,000 पे किया है, then you will get 30%. B2B 37%, state level के लिए 40%. और उसमें हर एक को अपने अपने हिसाब से नीचे additional percentage भी मिलेगा, because our customers can recruit affiliates और उसके ऊपर 10% मिलेगा उनको। अगर आप B2C है तो यू कैन हैव कस्टमर्स, यू कैन हैव affiliates, तो उसी के ऊपर भी आपको परसेंटेज मिलेगा। अगर आपका डायरेक्ट कस्टमर है तो 30% मिलेगा, अगर आपके कस्टमर ने कस्टमर दे दिया तो भी आपको 10% मिलेगा। और आपके अंदर आप अगर कोई फ्रीलांसर लगे तो उसका जितना भी बिजनेस आएगा उसके ऊपर आपको 20% मिलेगा। आपके पास अगर B2B है तो आपका कमीशन है 30%, 37%। आपको आप B2C जितने भी आप B2C रिक्रूट करोगे उसमें से 7% मिलेगा। आपके जितने भी डायरेक्ट कस्टमर्स है उसे 37 मिलेगा। आपके कस्टमर ने आपको कुछ कस्टमर दे दिया तो उसे 17% मिलेगा और एफिलिएट्स के यहाँ से 27% मिलेगा। लाइक दैट इट विल बी देयर। देयर इज वन मोर पार्ट, नेशनल फ्रेंचाइजी, उसको 45% का कमीशन है एंड अवार्ड रिवॉर्ड्स के लिए 5% रखा। ये हो गया यहाँ पे पार्ट। अभी इसमें आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है लॉकडाउन के वजह से उसको
रिलैक्सेशन किया है एंड वी आर गिविंग 50% ऑफ. 50% ऑफ मतलब ये 50,000 के 25,000 हो जाएंगे, यहाँ 1,00,000 के 50,000 हो जाएंगे, यहाँ पे 2.5 lakhs हो जाएंगे एंड यहाँ विल बी हैविंग 5 lakhs. लेकिन यहाँ उसके हिसाब से आपको चेंजेस हो जाएंगे. 25 के यहाँ पे हम 35 किए हैं, यहाँ 1,00,000 किए हैं, यहाँ 5 lakhs किए हैं और यहाँ 10 lakh किए हैं. सो दीज आर द फैक्ट अबाउट दिस फ्रेंचाइजी सिस्टम. देयर इज अ सपोर्ट सिस्टम ऑल्सो. वी हैव वेबिनार्स, वी हैव फ्री गिफ्ट्स. फ्री गिफ्ट्स में आपको बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड गिविंग लर्निंग स्टाइल टेस्ट फ्री. और उसमें हमने जैसा भी मैंने बताया कि 1,00,000 बच्चों को हमें ट्रेन करना है, तो इन दैट विल बी गिविंग फ्री लर्निंग स्टाइल टेस्ट. उनको हम ये देने वाले हैं कि लर्निंग स्टाइल टेस्ट का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो कैसा वो एजुकेशन में उसको सपोर्ट मिलेगा. और साथ में साथ हम उनको 4 घंटे का स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम गिफ्ट करने वाला है एंड दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज स्टडी विदाउट रिमेम्बरिंग. ये सब कुछ हम उनको देने वाले हैं. साथ में लीड जनरेशन सिस्टम है, स्पेशल आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलेगा. ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने जो है उसके बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन उसमें आएगा, एज वेल एज यू विल बी गेटिंग सम बिजनेस रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है सो दैट वहां से आपको कैसे लीड्स मिल जाएगा. ऑल दीज थिंग्स इंफॉर्मेशन यू विल गेट इट फ्रॉम दिस. तो दिस वे इट वॉज द बिजनेस प्लान. इसमें आप अगर फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो देर इज 2 options. वन इज यू कैन ज्वाइन एज एफिलिएट और आप हमारे कोई भी एक सर्विस यहाँ से अगर ले लेते हैं. इफ यू आर ऑलरेडी माई एग्जिस्टिंग कस्टमर तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर नॉट माई एग्जिस्टिंग कस्टमर आप एग्जिस्टिंग एक कस्टमर बन सकते हैं. हमारे जितने भी एक्टिविटीज है उसमें से कोई भी एक एक्टिविटी लेके आप कस्टमर बन सकते हैं, चाहे वो आपका 500 रुपये का एक्टिविटी हो या 5,000 का. वी आर नॉट बाइफर्केटिंग एनीथिंग बिकॉज कस्टमर्स के लिए क्यों चाहिए. एफिलिएट्स को 10% मिल रहा है इसलिए प्रमोट करेगा. B2C फ्रेंचाइजी होल्डर्स उन्होंने पैसा डाला है इसलिए प्रमोट करेगा. लेकिन कस्टमर्स उन्होंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है इसलिए प्रमोट करेगा. इसलिए मैं कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ बिकॉज दे हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड माई टेक्नोलॉजी, दे हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड माई रिजल्ट. और वहां से जो रिजल्ट मिलेगा, उनको जो रिजल्ट मिलने वाला है, वो जो प्रमोशन से उनको एक्टिविटी से हमें बेनिफिट मिलने वाला है, दैट इज मोर देन हमारे एक्सपेक्टेशन. बिकॉज फाइनली माउथ पब्लिसिटी सबसे तेज भागती है और हमारे कस्टमर्स हमारे लिए माउथ पब्लिसिटी. एंड दैट्स वाई वी आर सपोर्टिंग आवर कस्टमर्स और उनको लाइफ टाइम हमारा सपोर्ट भी मिलता है बिकॉज देयर चिल्ड्रन आर कनेक्टेड विद अस, उनका फैमिली कनेक्टेड विद अस. दैट्स इट. अब इसको ज्वाइन कैसे करना है, हाउ टू कनेक्ट एंड प्रोसीड विद अस. तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो जिस नंबर से आपको इन्फॉर्मेशन मिला था वो नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं. मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, 9769445589. आप चैट में अगर लिखते हैं नंबर तो दैट विल बी बेस्ट. मैं आपको सबको सब लोग नंबर नोट कर लो, आई विल पुट इट इन चैट विंडो. ये नंबर पे आप आपका नाम और आपका लोकेशन अगर डाल देते हैं दैट विल बी बोथ बेस्ट. श्वेता हैज ऑलरेडी गिवन दिस नंबर सो दैट इज बेस्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये सब कुछ चीजें अगर आपको अच्छी लगती है, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू वर्क इन द ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस एजुकेशन फील्ड, तो आप मुझे ये नंबर पे मैसेज कर लीजिए एंड विल बी देयर टू सपोर्ट यू. आपका जो भी फॉर्मेलिटीज है वी कैन कंप्लीट इट. आपका फ्री में है तो फ्री का एग्रीमेंट हो जाएगा. अगर आपका पेड है देन पेड के हिसाब से उसका फॉर्मेलिटीज हम कंप्लीट करेंगे. You will be getting authorized letter from Research Genius India Research and Training Institute Private Limited.
कि जिसमें आपको एज ए चैनल पार्टनर B2C है तो B2C का, B2B है तो B2B का, यू विल गेट ऑफिशियल सर्टिफिकेट ऑल्सो टू शो देयर एज ए फ्रेंचाइज होल्डर. That's it. So if you have any questions, queries, you can ask me now. कुछ queries, questions है तो पूछ सकते हैं. Now this session is open. Am I audible? Yes, sir. Okay. देख कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया इसलिए मैं, अगर कुछ नहीं क्वेश्चन तो आप बता दीजिए. नो क्वेश्चन चैट विंडो में लिखो, देर इज नो क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन है तो इमीडिएटली आस्क, देर इज नो इश्यू. एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोडक्ट आप पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू सर्विसेज पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू पेमेंट्स पूछ सकते हैं. Because finally, this is business. I think किसी का कुछ questions यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है. One minute, some message has came here. Okay, very nice session. Session was really interesting, sir. Thank you, Ravi Maske, sir. So if there is a no question, you can आप जो आपका इसके बारे में बता सकते हैं कि whether you are interested, not interested, आपको वो ये opportunity कैसे लगा? How you can see this opportunity? देखो इसमें हाँ ना का सवाल नहीं होता है. Are you taking or not taking? That is more simple. अगर आप interested, I will be joining you, but I will take a little more time. But I'm surely this is a very nice plan. Okay, yeah, no problem. I'll get back to you. Sure. इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, सो दैट यू कैन गो थ्रू द एंटायर थिंग. आप गूगल पे सर्च करो मेरा नाम डाल के. हमारा वेबसाइट भी है drmohanpakhre.com. यू कैन गो थ्रू दैट वेबसाइट आल्सो, देयर यू विल गेट सम डिटेल्स. सो यू कैन हैव अ एंटायर स्टडी एंड आफ्टर दैट यू कैन कम टू अस. इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, विल बी हैप्पी टू एसोसिएट विथ ऑल ऑफ. Okay, so thank you once again. As promised, I have taken 12:11 dot time. Hamara 1 minute extra ho gaya hai, so I apologize for that. And I am declaring now this session is over. Thank you very much for being here from start to end and cooperating me to lead this seminar. Thank you very much. Thank you, sir.